शरीर पर जमी हुई मैल और गंदगी को हटाने के लिए चेहरे पर जमे हुए डेड स्किन सेल्स को और दाग धब्बों को खत्म करने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी ही कमाल की होम रेमेडी शेयर करने वाली हूं, जो कि आपके स्किन पे हो रहे पिगमेंटेशन को दूर करेगी और स्किन को दोबारा ग्लोइंग बनाने में भी मदद करेगी इस रेमेडी को बनाना काफी ज्यादा सिंपल है बहुत ही जल्दी बनकर प्रिपेयर हो जाती है एंड रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इस्तेमाल करा है कॉफी पाउडर का कॉफी क्या करती है टैन को रिमूव करने का काम करती है अब हम पहले डिस्कस करते हैं कि हमारी स्किन पर आखिर टैनिंग हो क्यों जाती है टैनिंग होने के काफी सारे कारण बताए गए हैं जैसे कि पहला कारण है कि ज्यादा लंबे समय तक धूप में रहना दूसरा कारण है कि लंबे समय तक स्विमिंग पूल में रहना क्लोरीन वाले पानी की वजह से भी स्किन पर टैनिंग हो जाती है और अब मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा रीजन शेयर करनी हूं जिसका सबसे ज्यादा रेशो है मतलब 90 लोगों को टैनिंग इसी कारण से होती है और वो कारण ये है कि नहाते समय हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं

कॉफी में पाया जाता है कैफीन जो कि हमारे स्किन पर से टैनिंग को बहुत ही इफेक्टिवली रिड्यूस कर सकता है और दोबारा आपको कभी भी कालेपन की शिकायत नहीं होगी अगर आप कॉफी का इस्तेमाल करेंगे कॉफी के बहुत सारे फायदे हैं ना ही सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बल्कि ब्यूटी इंडस्ट्रीज में भी आजकल कॉफी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है फेस मास्क में क्रीम में ब्यूटी सीरम्स में सभी में कॉफी का इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है क्योंकि कॉफी हमारे स्किन पर इंस्टेंट ग्लो लाने का काम करता है तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा चम्मच भरकर कॉफी पाउडर का इस्तेमाल करा है और इसके अलावा मैंने यहां पर डाला है एक चम्मच भरकर बेसन को बेसन जो होता है ना ये हमारी स्किन पर निखार लाने का काम करता है हमारी स्किन के डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है जिससे हमारी जो फ्रेश स्किन होती है ना वो ऊपर आ जाती है और डेड स्किन सेल्स के लेयर को हटाना बहुत जरूरी है साथ ही बेसन थोड़ा सा दरदरा होता है और दरदरा होने की वजह से ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से डीपली एक्सफोलिएट करने का काम करता है स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत जरूरी होता है जैसे हम अपने चेहरे को स्क्रब करते हैं ना ब्लैक हेड्स को व्हाइट हेड्स को दूर करने के लिए सेम उसी तरीके से बॉडी पार्ट्स को एक्सफोलिएट करना बहुत जरूरी होता है तो ज्यादातर हमें टैनिंग कहाँ होती है हमारे अंडरआर्म्स काले हो जाते हैं या फिर हमारे एल्बो और नी बिल्कुल काले पड़ जाते हैं नेक बहुत बड़ा कारण है बहुत सारे लोगों की नेक का कलर चेहरे से मैच ही नहीं करता अनइवन स्किन टोन लगने लगता है और फिर वो लोग मेकअप का यूज करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी टैनिंग को हटा सके तो कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करके देखिए एक चम्मच कॉफी पाउडर में मैंने आधी चम्मच भरकर बेसन को अच्छे से मिक्स करा है ये ड्राई पाउडर बनाकर तैयार करा है और इसके अलावा अब मैं इसमें डालने वाली हूँ नींबू का रस पूरे आधे नींबू को मैंने निचोड़ कर डाला है इस रेमेडी को मैं अपने हाथों और पैरों पर जमी हुई टैनिंग को रिमूव करने के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ आप चाहें तो इसे अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अगर आप फेस क्ले से बना रहे हैं तो नींबू की क्वांटिटी कम रखिएगा केवल तीन या चार ड्रॉप्स नींबू के रस की डालिए नींबू का रस थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होता है इसलिए

करें और ये रेमेडी बनकर तैयार हो जाएगी इस रेमेडी को बनाना जितना क्विक है उतनी ही अच्छे से इसके आपको फायदे मिलते हैं उतने अच्छे आपको इसके रिजल्ट्स मिलते हैं तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसे अच्छे से फटाफट फेंटते जा रही हूं मिक्स करते जाइए और अब टाइम से अप्लाई करने का जहां पर भी आपको टैनिंग को रिमूव करना है जहां पर भी आप चाहते हैं आपकी स्किन का कलर थोड़ा फेयर हो जाए वहां पर आप इसे अप्लाई करें और ट्वेंटी फाइव मिनट्स टू थर्टी फाइव थर्टी मिनट्स तक आप इसे लगाकर रखिए जब ये मास्क आपके हाथों और पैरों के ऊपर अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब आप ठंडे पानी के नीचे से वॉश कर सकते हैं एक ही बार में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे आप अंतर देखेंगे अपनी स्किन के कलर में मेजर डिफरेंस आपको विजिबल डिफरेंस आपको शो होगा मैं हाथों पर लगा रही हूं क्योंकि मेरे हाथों पर काफी ज्यादा टैनिंग है और आप इसी तरीके से अंडर आर्म्स पर अप्लाई करें नेक पर अप्लाई करें डार्क एल्बो पर डार्क नी पर इसे अप्लाई करें एंड इवन आप इसे अपनी फीट पर भी अप्लाई कर सकते हैं पैरों के रंग को गोरा करने के लिए सुंदर बनाने के लिए भी आप इसे पैरों पर इस्तेमाल कर सकते हैं तो जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको इसे बनाना बताया है लगाने की सलाह दी है वैसे ही आप इसे फॉलो करें एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में